हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरुजी ते। दोस्तों, अज दी वीडियो च जर्नल साइंस दे बेस्ट 250 प्लस एमसीक्यू दा पार्ट थर्ड आपां डिस्कस करांगे। हाँ जी, इस तों इलावा साइंस दे दो पार्ट पहलां तों अपलोड ने। जेकर तुसीं ओह पार्ट नहीं वेखे तां तुहानूं अज दी वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स च तुहानूं उसदा लिंक मिल जाएगा, उत्थों जाके तुसीं ओह वीडियो जरूर वेखणा जी। हाँ जी, ये एमसीक्यू वार्ड अटेंडेंट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों लिए काफ़ी हैल्पफुल साबित होगा। इस तो इलावा मास्टर कैडर ईटीटी ते पंजाब पटवारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों लिए भी यह वीडियो काफ़ी हैल्पफुल साबित होगी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अज के फस्ट क्वेश्चन तो। हेठ लिखियां विचों आरबीसी का कब्रिस्तान किसनों कहा जाता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सैल का कब्रिस्तान किसनों कहा जाता है? जी फस्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। साढ़े को चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट दिता है जी लीवर, सैकेंड ऑप्शन है अस्थि मज्जा, थर्ड ऑप्शन दिता हुआ है प्लीहा, फोर्थ दिता है इन्हों कोई नहीं। हाँ जी, रेड ब्लड सैल का कब्रिस्तान कहा जाता जी प्लीहा। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना करैक्ट हो जाएगा। इसका सैकेंड नेम हैगा जी सपलिन, सपलिन भी इनू कहा जाता है। जेकर तुहाडे कोलों पूछ लिया जाए कि आर बी सी का निर्माण कित्थे हुंदा है, निर्माण कित्थे हुंदा है, तो इसका निर्माण जिहड़ा हुंदा है वह हुंदा जी अस्थि मज्जा विच। उदों अपना ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा करैक्ट हो जाना सी जेकर पूछा जाए कि आर बी सी का निर्माण कित्थे हुंदा है। इस तों इलावा ऑप्शन नंबर फस्ट दिता है जी लीवर, तो लीवर साढ़े शरीर की सब तो वड्डी ग्रंथी हैगी है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ जी मूत्र का पीला रंग किस की मौजूदगी के कारण होंदा है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। साढ़े को चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट है पित्त, सैकेंड दिता है लसीका, थर्ड ऑप्शन है कैलेस्ट्रोल, तो फोर्थ दिता है यूरोक्रोम। हाँ जी, मूत्र का जोड़ा पीला रंग होंगे वह होंगे जी यूरोक्रोम की मौजूदगी। ऑप्शन नंबर डी है जोड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन होर बनता है कि मूत्र केड़ा एसिड निकलता है? ए एसिड निकलता है जी यूरिक एसिड, मूत्र विच यूरिक एसिड जिहड़ा निकलता है। इस तों इलावा ऑप्शन नंबर बी दिता जी लसीका, तो लसीका ग्रंथि की गल करिए यह साडे इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रमुख हिस्सा होंदा है। साडे इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा होंदा है, तो इस विच डब्ल्यू बी सी ते जिहड़े एंटीबॉडीज होंदे ने, एंटीबॉडीज होंगे ने। डबल्यू बी सी यानी कि वाइट ब्लड सैल। फिर तो रिपीट कर दें, लसीका जिहड़ा इम्यून सिस्टम का प्रमुख हिस्सा होंदा है, इस विच डबल्यू बी सी ते एंटीबॉडीज होंगे ने। इस तों इलावा ऑप्शन नंबर सी दिता है जी कैलेस्ट्रोल, तो यह एक वसा हैगी है, एक चर्बी होंगी है जिहड़ी कि लीवर तो पैदा होंगी है, तो यह शरीर को सुचारू ढंग नाल चलाउण विच जिहड़ी मदद करती है। जिहड़ी कैलेस्ट्रोल होंदी है यह एक तरह की चर्बी होंदी है जिहड़ी कि लीवर तो बनती है, तो यह साडे शरीर को सुचारू ढंग नाल चलाउण विच मदद करती है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है गुणसूत्र विच की होंदा है? जी आपां दसना है गुणसूत्र विच की होंदा है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट दिता जी डी एन ए अते लिपिड, फोर्थ सॉरी सैकेंड ऑप्शन दिता है डी एन ए ते प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है आर एन ए ते एमीनो एसिड, तो फोर्थ दिता है आर एन ए ते शुगर। हाँ जी, गुणसूत्र विच की होंदा है? तो गुणसूत्र विच की होंदा जी डी एन ए ते प्रोटीन। ऑप्शन बी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, गुणसूत्र की संख्या किन्नी होंदी है? तो यह होंदी जी 46। टोटल किन्ने होंदे? 46 मेल विच 22 ते फीमेल विच भी 22, मिला के किन्ने हो गए 44, ते दो जिहड़े होंदे ने वह होंदे ने सैक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम होंगे ने एक्स वाई, तो टोटल किन्ने हो गए 46। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना है हेठ लिखियां विचों किस दी होंद कारण गिरगिट जिहड़ा रंग बदलता है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट दिता है हेमोग्लोबिन, सैकेंड ऑप्शन है जी क्रोमेटोफोर्स, थर्ड ऑप्शन दिता है क्लोरोफिल, तो फोर्स है इन्हों विचों कोई नहीं। हाँ जी, आपां दसना है कि जिहड़ा गिरगिट हुंदा है वह अपना रंग किस दे कारण बदलता है? तो गिरगिट जिहड़ा अपना रंग बदलता है वह बदलता है जी क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स के कारण जिहड़ा
गिरगिट अपना रंग बदलता है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है, दिल का दौरा किस कारण आता है? साढ़े को चार ऑप्शन दिते हुए हैं। फर्स्ट दिता है दिल से जीवाणुओं का हमला होने कारण। सैकेंड ऑप्शन है जी दिल की गति रुक जाना। थर्ड ऑप्शन दिता है दिल में खून की पूर्ति ना होना। तो फोर्थ है इन्हों कोई नहीं। जी आप दसना है कि दिल का दौरा कदों आता है, तो दिल में खून की कमी के कारण आता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जो अपना करैक्ट हो जाएगा। दिल में खून की पूर्ति ना होने कारण जो कि होंगे दिल का दौरा आ जाता है। इस तो अलावा मनुखी दिल के किन्ने भाग होंगे ने? चार भाग होंगे ने। मनुखी दिल के जिहड़े किन्ने पार्ट होंगे ने? चार पार्ट होंगे ने। तो जेकर आप गल करिए डड्डू के दिल के, तो इस दे तीन भाग होंगे। डड्डू के दिल के तीन भाग होंगे ने, तो मनुखी दिल के चार भाग होंगे। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना आता जी, हेठ लिखियों विचों किस विच प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होंगी? जी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट दिता जी आंडे ते मांस विच। सैकेंड ऑप्शन है दूध ते पत्तेदार सब्जियों विच। थर्ड ऑप्शन है सोयाबीन ते मूंगफली विच। ते फोर्थ है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, प्रोटीन की सब तो ज़्यादा मात्रा इन्हां विचों होंदी है जी सोयाबीन ते मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। इन्हां विच लगभग 38 तो लेके 40% जी प्रोटीन होंगी है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना है पौद्या विच क्लोरोफिल बनाने लई केड़ा तत्व सहायक होंदा है? पौद्या विच क्लोरोफिल बनाने लई केड़ा तत्व सहायक होंदा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है जी कैल्शियम। सैकेंड ऑप्शन दिता है मैगनीशियम। थर्ड दिता है पोटाशियम। तो फोर्थ है फॉस्फोरस। हाँ जी, पौद्या विच क्लोरोफिल बनाने लई जिहड़ा महत्वपूर्ण जिहड़ा तत्व है वह किहड़ा हुंदा है जी? मैगनीशियम। ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया विच अंत विच की बनता है? जी इस पूरे प्रोसैस विच अंत विच की बनता है वह आपां दसना है। फस्ट ऑप्शन दिता है जी कार्बोहाइड्रेट। सैकेंड दिता है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो फोर्थ दिता है पानी। जी इस प्रक्रिया विच एंड विच की बनता जी? ग्लूकोज। ग्लूकोज ते प्लस की बनता जी? ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का अपना ऑप्शन नंबर सी है जो अपना करैक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया विच अंत विच की बनता जी? ग्लूकोज ते ऑक्सीजन। तो सी ऑप्शन है जो अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता जी इंसुलिन कित्थे बनता है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। साढ़े को चार ऑप्शन दिते हुए हैं। फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। सैकेंड दिता जी पितासे। थर्ड ऑप्शन है आंत विच। ते फोर्थ है अग्नाशय। जी इंसुलिन जिहड़ा कित्थे बनता हुंदा है? ये बनता जी अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। इहनू की कहिंदे ने? पेंक्रियास भी कहा जाता है। पेनक्रियाज भी इनू कहा जाता है अग्नाशय। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। साडा नैक्सट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण केड़ा रोग हो जाता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट दिता है जी वालों का झड़ना। सैकेंड दिता है दस्त। थर्ड ऑप्शन है अंतराता। फोर्थ है कमजोरी। हाँ जी, विटामिन ए की कमी के नाल की हो जाता है? अंतराता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है जो अपना करैक्ट हो जाएगा। जेकर पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का सब तो चंगा स्रोत केड़ा है, तो वह है जी गाजर। विटामिन ए का जो सब तो चंगा स्रोत है गाजर। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है जी मशरूम की है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट दिता जी कवक। सैकेंड दिता है पौधा। थर्ड है पशु। तो फोर्थ दिता है बैक्टीरिया। हाँ जी, आप दसना है कि मशरूम जिहड़ा की हुंदा है, तो यह एक तरह का कवक हुंदा है। कवक यानी कि फंगस, एक तरह की है फंगस हुंदी है मशरूम। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता है दुध का चिट्टा रंग किस की मौजूदगी के कारण हुंदा है? जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी जिहड़ा इंपोर्टेंट है।
चार ऑप्शन साढ़े को नहीं। फस्ट है लैक्टोज, सैकेंड ऑप्शन दिता है जी एल्बूमिन, थर्ड ऑप्शन है केरोटीन, तो फोर्थ दिता है कैसियम। हाँ जी दुध का जोड़ा चिट्टा रंग हों वो कैसियम की मौजूदगी के कारण हों। हाँ जी कैसियम ना दे प्रोटीन की मौजूदगी के कारण जोड़ा दुध का चिट्टा रंग हों। जेकर तुहाडे कोलों पूछा जाए कि गां के दुध का पीलापन वो किस दे कारण हों, तो किस दे कारण हों जी केरोटीन ना दे प्रोटीन के कारण, केरोटीन प्रोटीन दे कारण, केरोटीन प्रोटीन के कारण जो गां का दुध का रंग जो पीला होंगे। इस तो अलावा जेकर पूछा जाए कि गाजर का रंग लाल क्यों होंगे, तो वह भी केरोटीन प्रोटीन के कारण होंगे। हाँ जी एक क्वेश्चन होर बनता है कि दुध तो दही किवें बनता है, तो वह किस दे कारण बनता है, वह आप पहला भी पढ़ चुके हैं लैक्टोबैसिलस नाँ के बैक्टीरिया कारण, लैक्टोबैसिलस नाँ के बैक्टीरिया के कारण जो दुध तो दही बनता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है डेंगू बुखार के कारण मनुखी शरीर में किस की कमी हो जाती है। हाँ जी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी, डेंगू बुखार के कारण मनुखी शरीर में किस की कमी हो जाती है। साढ़े को चार ऑप्शन ने, फस्ट है प्लेटलेट्स, सैकेंड ऑप्शन दिता है हीमोग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन है जी सरकरा, तो फोर्थ दिता है पानी। हाँ जी डेंगू बुखार है जरा प्लेटलेट्स की कमी के कारण जरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जरा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। अच्छा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता जी, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग जरा हो जाता है, एनीमिया रोग जरा हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है डीएनए की डबल हैलिकस संरचना किसने प्रगट किया, डीएनए की डबल हैलिकस संरचना किसने प्रगट किया, साढ़े को विज्ञानिकों के नाँ दिते हुए हैं। फस्ट दिता जी वाटसन ते क्रिकने, सैकेंड ऑप्शन है फिशर ते हालडानी ने, थर्ड है लेमार्क ते डार्विन, फोर्थ है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी डीएनए की डबल हैकी संरचना किसने प्रगट किया जी, वो किया जी वाटसन ते क्रिकने। ऑप्शन फस्ट है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है प्रकाश संश्लेषण लई केड़ी गैस जरूरी है। हाँ जी इस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर है तुसी वो कमेंट बॉक्स च दसना सानू कि प्रकाश संश्लेषण लई केड़ी गैस जरूरी होंदी है। चार ऑप्शन दिते ने, फस्ट है ओ टू, सैकेंड दिता है सी ओ, थर्ड ऑप्शन है एन टू, तो फोर्थ है सी ओ टू। इस क्वेश्चन का आंसर है जिहड़ा तुसी कमेंट बॉक्स च दसना है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है पौद्या के दरखतों में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को की कहते हैं। चार ऑप्शन दिते हुए हैं, फस्ट दिता जी कार्बोहाइड्रोलिसिस, सैकेंड दिता जी मेटाबोलिक सिंथेसिस, थर्ड ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, तो फोर्थ दिता है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी पौद्या के दरखतों में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को की कहा जाता है जी, फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन सी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है क्लोरोफिल विच केड़ी तात होंगी है। हाँ जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी, क्लोरोफिल विच केड़ी तात होंगी है, तो क्लोरोफिल विच मैगनीशियम तात पाई जाती है। ऑप्शन बी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। मनुख की खोपड़ी विच किन्नियां हड्डियां होंदियां। हाँ जी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी, मनुख की खोपड़ी विच किन्नियां हड्डियां होंदियां ने, तो मनुख की खोपड़ी विच अठ हड्डियां होंदियां ने। जेकर पूछा जाए कि चेहरे विच किन्नी हड्डियां होंदियां ने, चेहरे विच किन्नियां हड्डियां होंदियां ने, तो वह होंदियां ने 24 हड्डियां साढ़े चेहरे विच होंदियां ने, तो खोपड़ी विच अठ हड्डियां होंदियां ने। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है पित्त रस कित्थे जमा होंदा। हाँ जी साढ़े को चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट है पित्ते विच, सैकेंड ऑप्शन दिता है नक विच, थर्ड ऑप्शन है दिल विच, ते फोर्थ है जी किडनी विच। हाँ जी आप दसना है पित्त रस जिहड़ा कित्थे जमा होंदा, तो वह जमा होंदा जी पित्ते विच। ऑप्शन फस्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। इहनू की कहिंदे ने पित्ताशय भी कहा जाता है, पित्त रस जिहड़ा कित्थे जमा होंदा पित्ते विच।
हाँ जी, अज का लास्ट क्वेश्चन कर जा रहे हैं, मनुखी शरीर में खून को शुद्ध करने की प्रक्रिया को की कहा जाता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है डायलिसिस, सैकेंड ऑप्शन दिता जी हिमोलिसिस, थर्ड ऑप्शन है ओसमोसिस, तो फोर्थ है पैरालिसिस। मनुखी शरीर में खून को शुद्ध करने की प्रक्रिया की कहा जाता है, डायलिसिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, अज की वीडियो इतने समाप्त करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नू लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा वीडियो नू शेयर करो। हाँ जी, वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा अपने दोस्तों के नाल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जिथे भी तुसी शेयर करना चाहते हो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। तो वीडियो नू जरूर लाइक करो, क्योंकि तुहाडे एक एक लाइक के कारण सानू वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। तो तुसी कोशिश करो जी ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों नू जोड़न दी। हाँ जी, जेकर तुसी साडे चैनल ते फस्ट टाइम विजिट कर रहे हो, फस्ट टाइम साडी वीडियो वेख रहे हो, तो चैनल जरूर सबसक्राइब करो, तो नाल लगे बैल आइकन भी प्रेस करना, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहेगी। हाँ जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो चे, उदों तक दे लई टेक केयर।